Yo, what's up guys? Welcome to my another gameplay video. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही धमाकेदार वीडियो। वैसे दोस्तों आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि लास्ट में हमने आखिरकार जंपर ट्रक को हरा ही दिया रेस में। जी हाँ दोस्तों, रोप हीरो वाइस टाउन गेम में ऐसा कोई भी व्हीकल नहीं था फोर व्हीलर जो उस जंपर ट्रक को हरा सकता हो रेस में, लेकिन दोस्तों हमारा हेलीकॉप्टर सबका हिसाब बराबर कर दिया है। मतलब कि यार उस जंपर ट्रक ने ना एरोप्लेन मतलब एयरक्राफ्ट को भी रेस में हरा दिया था, लेकिन भाई हमारा शार्क हेलीकॉप्टर इतना तेज निकला कि उसने उस ब्लैक जंपर ट्रक को ही रेस में हरा दिया। तो दोस्तों उस वीडियो में काफी मजा आया था, मतलब कि अब तक का सबसे बड़ा चैंपियन ना हमारा जंपर ट्रक ही बन गया था। लेकिन यार फाइनली हमें एक ऐसा व्हीकल भी मिला इस रोप हीरो वाइस टाउन गेम में जो उस जंपर ट्रक को भी हरा सकता हो रेस में, और वो है दोस्तों हमारा शार्क हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों पिछले बहुत दिनों से ना वो जंपर ट्रक हमारा सबसे बड़ा टास्क बना हुआ था, क्योंकि यार वो किसी भी व्हीकल से रेस में हार ही नहीं रहा था, जबकि हमें चाहिए था कि कोई ऐसा व्हीकल हो जो इस जंपर ट्रक को रेस में हरा सके। तो दोस्तों हमने उस जंपर ट्रक की बहुत से व्हीकल्स के साथ में रेस कराई, लेकिन वो किसी से नहीं आ रहा, और आखिरकार यार शार्क हेलीकॉप्टर ने उसे हरा दिया। तो दोस्तों अब हमारा ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है कि जंपर ट्रक अब सबसे बड़ा चैंपियन नहीं रहा, रोप हीरो वाइस टाउन का सबसे बड़ा चैंपियन शार्क हेलीकॉप्टर है, जिससे यार रोप हीरो हवा में ही जंप लगा देता है। क्या मस्त हेलीकॉप्टर है दोस्तों वो आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, किस किस का फेवरेट है ये भी बताना। तो दोस्तों आज किस चीज की रेस कराएंगे उसके लिए हम पहुंच चुके हैं टिप्सन दादा के पास। हेलो टिप्सन दादा। अरे आओ छोटे आओ, लास्ट वाली रेस के अंदर तो छोटे मजा ही आ गया यार। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा जंपर ट्रक कभी रेस में हार जाएगा, लेकिन सच बताऊं छोटे पहली बार मुझे हार कर मजा आया यार, क्योंकि यार मैं उस जंपर ट्रक से जीत जीत के ना परेशान हो गया था। मतलब मैं खुद सोच रहा था यार ये जंपर ट्रक कभी तो हारे कम से कम, लेकिन यार छोटे सच में तेरा शार्क हेलीकॉप्टर काफी फास्ट है यार, उसने बता जंपर ट्रक को हरा दिया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, लेकिन यार सच कहूं मजा आ गया लास्ट वाली रेस में। हाँ यार टिप्सन दादा, मैं भी अभी हमारे व्यूअर से यही बात कर रहा था कि लास्ट वाली रेस में तो मजा ही आ गया, हेलीकॉप्टर वर्सेस ट्रक की रेस सबसे खतरनाक वाली रेस थी, और ट्रक हार गया यार पहली बार, ऐसा कमाल पहली बार हुआ है टिप्सन दादा, सच में उस रेस में मजा आया था। तो छोटे आज किस चीज की रेस करवाने की सोची है तूने? अरे टिप्सन दादा मैं तो हर वो रेस करवा लूंगा जो आप कहोगे, बताओ किस चीज की रेस करवानी है, आप क्या चलाने वाले हो आज की रेस में? छोटे आज तो रेस करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाला आज की रेस में। हाँ लेकिन मैं होस्ट जरूर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज की रेस को मैं होस्ट करूँ और तू किसी और के साथ में रेस करे। किसी और के साथ रेस करूँ मतलब रोप हीरो वाइस टाउन गेम में एक आपके अलावा मेरा जानकार है कौन जिसके साथ मैं रेस में पार्टिसिपेट करूंगा टिप्सन दादा? अरे है ना छोटे तू भूल रहा है, सुपर हीरो यार, अपना सुपर हीरो। अरे काय का सुपर हीरो टिप्सन दादा, आपको पता है ना मेरी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है, वाइस टाउन का सिर्फ एक ही हीरो है वो है रोप हीरो, मतलब की मैं कोई सुपर हीरो नहीं है मेरे सामने समझे, मुझे उसके साथ कोई रेस नहीं करनी, आपको पार्टिसिपेट करना है तो करो नहीं रहने दो। छोटे कैसी बात कर रहा है, तुझे पसंद नहीं है तो क्या हुआ, हमारी व्यूअर्स को तो पसंद है ना सुपर हीरो। नहीं टिप्सन दादा व्यूअर्स को सिर्फ रोप हीरो पसंद है, मतलब कि मैं सुपर हीरो पसंद नहीं है इन लोगों को भी। नहीं छोटे व्यूअर्स को सुपर हीरो भी पसंद है, तुझे क्या पता कि सुपर हीरो इन लोगों को पसंद नहीं है। मैंने कहा ना टिप्सन दादा मुझे पता है व्यूअर्स को सिर्फ रोप हीरो पसंद है सुपर हीरो पसंद नहीं है, आपको यकीन नहीं आता तो आप वोटिंग करवा के देख लो। ठीक है छोटे वोटिंग करवा लेंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुझे पहले इस रेस में पार्टिसिपेट करना होगा और ये रेस होगी उसके बाद ही व्यूअर्स अपने कमेंट करेंगे इस वीडियो पे और बताएंगे कि उन्हें रोप हीरो पसंद है या सुपर हीरो, बोल डन है? ठीक है टिप्सन दादा डन है, लेकिन रेस होगी किस चीज की ये तो बताओ। छोटे तेरी और सुपर हीरो की अगर रेस होगी ना तो वो होगी फ्लाइंग स्पीड रेस, मतलब कि जो सबसे तेज उड़ेगा ना वही होगा आज की रेस का विनर। ठीक है टिप्सन दादा करवा लो रेस यार, लेकिन ये रेस में जीतने वाला तो मैं ही हूँ, फायदा क्या है इस रेस का, वो सुपर हीरो मुझसे कभी नहीं जीत सकता किसी भी रेस में। अरे बस कर छोटे अभी हवा में मत उड़, जब उड़ना हो ना तब उड़ियो रेस के अंदर, अभी तो रुक जा तू यार। हाँ ठीक है टिप्सन दादा ठीक है। अरे यार छोटे लेकिन मैं तो तुझे बताना ही भूल गया कि हम रेस करवाएंगे कहाँ, रेस की सारी तैयारी तो कर ली, लेकिन हमारा जो रेसिंग ट्रैक है ना छोटे वहाँ पर ना कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया है और वो उस जगह को खाली करने का नाम नहीं दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हो टिप्सन दादा, वो स्टेडियम के पास में जो हमारा रेसिंग ट्रैक है वहाँ हम रोज रेस करवाते हैं, वहाँ कब कब्जा कर लिया गुंडों ने? छोटे तूने कल रेस करवाई क्या? नहीं टिप्सन दादा कल तो कोई रेस नहीं करवाई, तो बस कल ही उन गुंडों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया, समझा? ओ समझ गया टिप्सन दादा समझ गया, लेकिन आप कोई टेंशन मत लो, सुपर हीरो है ना आपका दोस्त, उसे भेज के जगह खाली करवा लो उन गुंडों से। कैसी बात कर रहा है यार छोटे, गुंडों की धुलाई के लिए तो रोप हीरो ही बेस्ट है। अच्छा जी इतनी देर पहले तो आप
सुपर हीरो की साइड ले रहे थे और अब जैसे ही फाइट की बात आई तो आप मेरी तरफ आ रहे हो। अरे यार छोटे, अब क्या तू छोटी छोटी बातों को पकड़ रहा है? कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, तेरे तो बाएं हाथ का खेल है उन गुंडों की धुलाई करना, तो तू वहाँ जा और उनकी धुलाई कर दे फटाक से। नहीं यार टिप्सन दादा, देखो वैसे भी शाम हो चुकी है और शाम में मैं किसी की धुलाई नहीं करता, मैं घर जा रहा हूँ अपने। अरे नहीं यार छोटी, यही तो सबसे बढ़िया टाइम है, इस टाइम पे वो सारे गुंडे ना तुझे नशे में मिलेंगे, तू जाके उनकी धुलाई कर दे बस और वो जगह खाली करा ले ताकि हम कल रेस करवा सके, वरना वो गुंडे हमारी रेस नहीं होने देंगे कल। अरे यार क्या ही प्रॉब्लम है टिप्सन दादा, चलो कोई नहीं, जाता हूँ मैं उनकी धुलाई करता हूँ अभी, और अभी के अभी वो उनसे जगह खाली करवा लेता हूँ ताकि हम सुबह रेस करवा सके। ठीक है टिप्सन दादा, तो मैं चलता हूँ। हाँ हाँ छोटे, तुम चल के वहाँ गुंडों की धुलाई करो और जब रेस का टाइम होगा तो मैं सुपर हीरो को अपने साथ लेके वहाँ आ जाऊंगा। ठीक है टाटा बाय बाय। ओके टिप्सन दादा, टाटा बाय बाय। तो चलिए दोस्तों चलते हैं जल्दी से हमारे रेसिंग ट्रैक पे और चल के देखते हैं कौन गुंडे मवाली हैं जो हमें रेस करने से रोकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम सबसे पहले खरीदने वाले हैं गाड़ी, और भाई गाड़ी अपनी है रोलेस्ट कार। तो दोस्तों कार आ चुकी है और इसमें बैठ के ना अभी हम रफू चक्कर होने वाले हैं, मतलब यार रफू चक्कर नहीं होने वाले, हम जाने वाले हैं हमारे रेसिंग ट्रैक पे और वहां जाकर ना उन गुंडों की क्या धुलाई करने वाले हैं। दोस्तों क्या फास्ट चल रही है ना हमारी गाड़ी, यार ये वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है हमने। ओ भाई छोटा जंप लिया हमने, ज़्यादा बड़ा जंप नहीं लिया, वरना जंप करके आप लोग जानते हैं ये रोडेस्ट का ना सीधे समुंदर में जा सकती थी। तो दोस्तों ओ भाई हमने कौन सी गाड़ी की ठोक दी यार, ये रोबोट कार थी। ओ भाई गायब हो गई। देखा दोस्तों रोबोट कार की जब हम ठोक देते हैं ना पीछे से गाड़ी, तो भाई वो गायब हो जाती है, मतलब रोबोट बनके हमें मारती नहीं है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वहां पर जहां हमें गुंडे मिलने वाले हैं। भाई गुंडे हो किधर हो तुम लोग? ओ तो दोस्तों हमें वहां जाकर खड़ा होना होगा, फिर आएंगे वो गुंडे लोग। भाई मैं ये वाली गन लेके क्यों जा रहा हूँ एरोस्टेट, मुझे उनको हवा में थोड़े उड़ाना, मुझे तो उनको सीधा ऊपर भेजना है। तो दोस्तों ये मिल चुकी है हमें RPG। ओ भाई RPG से उड़ाना है। तो दोस्तों इनकी मौत तो सोचनी होगी, ये तो आते ही मुझ पर गोलियां चला रहे भाई। शायद ना अभी इन गुंडे लोगों को पता नहीं है इनका पंगा किसके साथ हुआ, ये देखो एक बार में ही सारों को मार दिया। ओ भाई सारे मरे नहीं है, ये भाई आ कहां से रहे? मुझे लगा ये 3-4 ही होंगे, लेकिन भाई ये तो हवा में से ही आ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट ऐसे गायब हो गए, जादू की तरह प्रकट हो रहे हैं मेरे सामने। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, हमारे पास RPG, ये लोग फिर से मार दिया। ओ भाई एक बच गया, इसके लिए RPG क्यों वेस्ट करनी भाई, इसे तो मैं लात मार के मार दूंगा, एक किक मारूंगा ना इसके तो ये यही ढेर हो जाएगा। ये देखो ओ भाई ढेर नहीं हुआ, अभी भी जिंदा है, ये ले रुक जा तेरी तो। हाँ दोस्तों तो हमें, अरे यार ये हो क्या रहा है, फिर से आ गए। ओ भाई ये क्या चल रहा है दोस्तों, हमने कितनी बार मार दिया इनको, ये फिर से आ रहे हैं और ये तीन चार ही आ रहे हैं। सारे एक साथ आ जाओ ताकि हम एक RPG में 15-20 को मार के इनका चैप्टर क्लोज कर दें। और ये लो दोस्तों फिर से हमने इनको मार दिया, लेकिन फिर आ गए। यार ये चक्कर क्या है भाई, ये जादुई लोग हैं क्या, ये मरेंगे भी यार नहीं, कितने गुंडे हैं भाई यहाँ पे, आए जा रहे हैं। मैंने कितनों को मार दिया यार, अभी फिर से आ गए। ये ले भाई तू भी एक किक खा। ये लो दोस्तों हमने किक मार के मार दिया। ओ भाई फिर ये आया, अच्छा बच गया था ये पिछली बार दोस्तों, इसके ठीक से किक लगी नहीं अभी। ये ले रुक जा भाई, ये क्या फुटबॉल बनाई है मैंने इसकी। ओ भाई अब ख़त्म हो गया। तो दोस्तों इनको मारने के ना हमें कुछ पैसे भी मिले हैं, क्या ही बात है दोस्तों। ये देखो हमें 100 रुपये मिले हैं भाई, काफ़ी कम मिले ना। चलो कोई नहीं यार, 100 रुपये हमने वैसे इनको मारना इसलिए था क्योंकि हमें ना रेसिंग ट्रैक चाहिए था फ्री। तो अब हमें कोई नहीं ये रोकने वाला, रेसिंग ट्रैक पूरा हमारा है दोस्तों, तो अब उस पर हम आसानी से रेस करवा सकते हैं। और देखो दोस्तों सुबह भी हो गई, इनसे लड़ाई करते करते सारों गुंडों का मैंने सफाया कर दिया है, लेकिन हमारी गाड़ी कहाँ चली गई। चलो दोस्तों कोई नहीं, हम पहले ये कलेक्ट कर लेते हैं, हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे भाई। ओए होए भाई पैसे, डायमंड्स, क्या बात है दोस्तों, हमने सारे पैसे कलेक्ट कर लिए हैं दोस्तों। और अब चलते हैं जल्दी से रेसिंग ट्रैक पे, रेसिंग ट्रैक यहाँ से बहुत ही पास में है दोस्तों। तो उसके लिए मैं लेने वाला हूँ ये बाइक, ले लेते हैं यार, ये मस्त है बाइक। तो दोस्तों इससे हम ये बाइक छीन लेंगे अभी, और ये भाई निशाना सही से लग जा भाई, क्या बात है, इतनी दूर से हमने बाइक को मंगवा लिया है बिना पैसे खर्च किए। तो दोस्तों बस अभी ये बाइक लेके हम चलने वाले हैं रेसिंग ट्रैक, वैसे पास में है, लेकिन जब सुपर हीरो हमारा रोप हीरो बाइक लेके जा सकता है, सुपर हीरो से तो अभी हमारी रेस होने वाली है, मैं इसी को सुपर हीरो बोल देता हूँ यार कभी कभी। तो जब हमारी रेस ही होने वाली है तो भाई बाइक लेके चलते हैं ना मज़े से, पहले क्यों अपना स्टेमिना कम करना दौड़ कर। ओ भाई पुलिस वाले ने क्या ज़बरदस्त ठोकी है ना हमारी बाइक में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता यार, पुलिस से तो वैसे भी पंगा लेना ही हमें जब रेस होगी तब। ओ भाई उस पुलिस वाले को देखो क्या फ्लिप करवा के लेके गया, गाड़ी चलाना इनको आता नहीं है, पुलिस में आ गए। तो दोस्तों यह है हमारी रेस का एंडिंग ट्रैक, हाँ रेसिंग ट्रैक का एंडिंग पॉइंट सॉरी। हाँ दोस्तों ये जो रेड लाइट है, ट्रैफिक लाइट, यह है एंडिंग पॉइंट, मतलब जो व्हीकल सबसे पहले
व्हीकल की तो रेस होने नहीं ना। अच्छा मेरे में मतलब रोप हीरो और सुपर हीरो दोनों में से जो पहले इस लाइट को क्रॉस करेगा वो होगा आज की रेस का विनर। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ रेस स्टार्ट कहाँ से होने वाली है, क्योंकि यहाँ तो रेस एंड हो जाएगी। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे। और दोस्तों जहाँ अभी हमारी बाइक चल रही है ना, यहाँ पर ही कुछ देर बाद में रोप हीरो और सुपर हीरो उड़ने वाले हैं। मतलब यह है रेसिंग ट्रैक और हम जा रहे हैं अभी रेसिंग ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो दोस्तों ये जस्ट सामने ही हमारी रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से हमारी रेस स्टार्ट होने वाली है। वैसे अभी तक तो टिप्सन दादा को यहाँ आ जाना चाहिए था सुपर हीरो को साथ लेके, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। कोई बात नहीं दोस्तों, जब तक वो आएंगे तब तक हमें इस पुलिस का इंतजाम करना होगा, मतलब कि इन पुलिस वालों को बैलून फुला के हवा में लटकाना होगा, जैसा कि हम हर रेस से पहले करते हैं तो आज भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आपको लेके चलते हैं रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पे, वीडियो को थोड़ा ट्रिम करके। दोस्तों हमने पुलिस को कर दिया है यहाँ से रफा दफा, और अभी आप देख सकते हैं कि रेसिंग ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे एक तरफ रोप हीरो खड़ा है तो दूसरी तरफ खड़ा है सुपर हीरो। और अभी कुछ ही देर में इन दोनों की रेस स्टार्ट होने वाली है, मतलब कि दोनों के दोनों हीरो फ्लाई करते हुए जाएंगे रेसिंग ट्रैक के एंडिंग पॉइंट की तरफ, और जो सबसे पहले पहुंचेगा हमारे रेसिंग ट्रैक के एंडिंग पॉइंट पे वो ही होगा आज की रेस का विनर। तो दोस्तों आपका फेवरेट कौन है, रोप हीरो या सुपर हीरो, कमेंट करके जरूर बताना। और विनर दोनों में से कौन बनता है वो तो अभी हम कुछ ही देर में देख लेंगे रेस के एंड में। वैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोप हीरो और सुपर हीरो इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन है भाई। अभी जब कुछ देर पहले मैं यहाँ नहीं था ना तो दोनों कुत्तों की तरह लड़ रहे थे, अभी देखो मैं यहाँ से गायब होता हूँ ये फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, आप खुद ही देख लेना। तो चलिए दोस्तों मैं कुछ देर के लिए गायब होता हूँ और फिर आप सुनो ये दोनों क्या बातें करते हैं। ओए नीले पकोड़े, मेरे साथ रेस करके क्यों अपनी इंसल्ट करवाता है, पहले ही हार मान ले, कुछ ना कुछ तो इज्जत बची जाएगी तेरी। अरे ओए नीला पकोड़ा, किसको बोला तूने, पहले अपने आप को तो देख लाल मिर्च, और रेस में हारने का इतना ही डर है तो आया क्यों था। अब रेस स्टार्ट होने वाली है, देखते हैं कौन जीतता है, तू जीतता है या मैं, और व्यूवर्स तो कमेंट करके बता ही देंगे सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है उनका, तू या मैं, समझा। और ज्यादा मत बोलियो वरना अभी यही मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। अरे अरे बस 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 रुक जाओ भाई। तो देखा दोस्तों आपने ये दोनों किस तरीके से लड़ाई करते हैं यार, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं दोनों। तो चलिए दोस्तों अब इनकी लड़ाई को यही खत्म करते हैं और जल्दी से रेस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, और ये लीजिए दोस्तों रेस स्टार्ट हो चुकी है, एक तरफ हमारा सुपर हीरो उड़ रहा है तो दूसरी तरफ आयरन सूट पहने हुए हमारा रोप हीरो। क्या ही बात है दोस्तों, दोनों की स्पीड लगभग बराबर लग रही है, लेकिन भाई रोप हीरो कुछ तेज लग रहे हैं, क्योंकि यार वो शायद आगे निकल गए हैं या दोनों बराबर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों आपको क्या लग रहा है कौन आगे अभी, भाई मुझे ना रोप हीरो ही आगे लग रहा है, क्योंकि देखो सुपर हीरो तो काफी थोड़ा बहुत मतलब पीछे ही चल रहा है यार किसी भी तरीके से। ये देखो रोप हीरो काफी आगे, और भाई रोप हीरो जीतने वाला है दोस्तों, देखते हैं कौन जीतता है। और ये दोस्तों देखो रोप हीरो जीत चुका है दोस्तों आज की रेस को, अभी हम इसे स्लो मोशन में करके देखने वाले हैं कि कौन जीता है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है रोप हीरो जीता है। चलिए दोस्तों स्लो मोशन में करके रिवाइंड करते हैं कौन जीतता है। और ये देखिए दोस्तों स्लो मोशन में देखते हैं कि कौन पहले लाइट क्रॉस करता है, और ये देखो दोस्तों रोप हीरो ने लाइट पहले क्रॉस की और सुपर हीरो ने कुछ देर बाद। तो दोस्तों आज की रेस का तो यार रोप हीरो ही विनर है, और आप लोगों का फेवरेट कौन है, रोप हीरो या सुपर हीरो, कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ये भी बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।